गाइस कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। मैंने सोचा कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे में कुछ आपके लिए क्रिएट कर ही लिया जाए। सो बेसिकली आज मैं आपको फोटोग्राफी के कुछ टिप्स और कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कोट के साथ ये शुरुआत को थोड़ी अमेजिंग बनाना चाहता हूँ। सो फटाफट आप कोट देखिए। फोटोग्राफी एक आर्ट है जो एक्सप्रेस करती है आपके इमोशन को, आपके थॉट्स को, और जब हम उस चीज़ को कैप्चर करते हैं तो आपका प्रोसेस दिखता है उस थॉट्स के रिलेटेड, उस फोटोग्राफी के रिलेटेड। मेरी लाइफ में मुझे फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे फूड की फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और अब तो आप मेरे दोस्त बन गए हो ना यार। सो अब आपसे क्या छुपाना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ी बहुत फूड की फोटोग्राफी, और आप बताइएगा कि आपको ये फूड की फोटोग्राफी कैसी लगी। तो मेरा क्या ओपिनियन है फोटोग्राफी को लेके, मैं आपको ये अपनी एक स्टोरी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मेरे को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, और नेचर में फोटोग्राफी करने का अलग ही मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम नेचर में फोटोग्राफी करते हैं तो हम खुद को अच्छे से जान सकते हैं। और दूसरी चीज़, मेरी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं जब भी कहीं पर भी फोटोग्राफी करना चाहता हूँ तो मेरे को कुछ स्पेसिफिक शॉट्स बहुत ज़्यादा क्रेजी लगते, लाइक मेरे को क्लोजअप शॉट्स लेना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। लेकिन मैं क्लोजअप शॉट उसी पार्ट का लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी पार्ट दिखता है, जो देखने में बहुत ही पीसफुल लगता है। और आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं जब भी आप नेचर फोटोग्राफी करते हैं, उसमें क्या है कि आप उसमें इजीली घुल मिल के खो सकते हैं। तो यही कुछ मेरे ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और बेसिकली आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ग्रेट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।